जब बाइक राइडिंग करते हो तो आपका बैकबोन या बटक्स जो कुल्ले होते हैं वो पैन करने लगते हैं। तो ये है हमारे पास एक और प्रोडक्ट जो है दरअसल एयर कम्फी सीट। तो इंस्टॉल करने वाले हैं और बाइक राइड करके भी देखेंगे कि इसको लगाने के बाद कैसी फीलिंग आती है। दोस्तों आप मोटो व्लॉगर हो या फिर नॉर्मल बाइक राइडर लेकिन बाइक को लेकर लंबी लंबी दूरी पर जाते हो तो जाइए ना, किसने रोका। लेकिन हाँ, आपके पास कोई सी भी बाइक हो, बहुत सारी तकलीफें आपको टूर के दौरान आती है। एक सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि आप जब बाइक राइडिंग करते हो तो आपका बैकबोन या बटक्स जो कुल्ले होते हैं वो पैन करने लगते हैं। लेकिन मेरे पास एक ऐसी चीज़ है कि आपको दरअसल इस तकलीफ से निजात मिलेगी। सोचिए क्या है। तो ये है हमारे पास एक और प्रोडक्ट जो है दरअसल एयर कम्फी सीट। तो किस कंपनी की है और मैंने कितने में लिए और इसके क्या क्या फायदे हैं वो सब ईमानदारी वाला रिव्यू आपके सामने करने वाला है। तो चलिए फटाफट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। दरअसल काफी नामी ग्रामी कंपनी का हमने इसको ऑनलाइन मंगवाया है। कंपनी का नाम है ग्रैंड पिस्टॉप। जी हाँ, ये एक सीट है जो आपकी राइडिंग को बहुत स्मूथ करने वाली है, यानी कि आपके जो कुल्ले, आपका जो कमर दर्द होता है बाइक चलाने के, उसमें राहत देगी। तो चलिए फटाफट खोल देते हैं। वैसे इसको मैंने खोल के देख लिया था लेकिन फिर भी आपके सामने एक बार और खोल के दिखा देता हूँ और इसको हम बाइक पर भी इंस्टॉल करके देखेंगे। तो ये कुछ इस तरह से इसकी पैकिंग आती है। इसको हम फटाफट निकालते हैं और ये देखिए, ये हैं एयर कम्फी सीट। जी हाँ, अब दरअसल इसमें क्या है, मैं सीधा सा लॉजिक, इसमें कोई इंस्टॉलेशन का ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। ये स्ट्रैप है, इनको बस सीट खोलो, अगर आपकी सीट नहीं खुलती है तो वैसे लगा दो और खुल जाती है, जैसे बहुत सारी गाड़ियों की सीट अलग हो जाती है नॉर्मली हीरो एक्सपल्स वगैरह की। तो इनको स्ट्रैप को बस बांध रहे हैं और कुछ नहीं करना है। इसमें दरअसल ये मैंने अच्छी क्वालिटी की ली है और इसमें ये पंप आता है साइड में, आपको मैं पंप भी खोल के दिखाऊंगा अंदर से और अंदर से क्या है। लेकिन इसमें सीधा सा मैकेनिज्म है, हवा भरो ऐसे ऐसे, और ये वॉल है, आपको एडजस्ट करना है, हवा कम करना है, ज़्यादा ऊंची है हो रही है, या आपको एडजस्ट में थोड़ा सा कुछ देखना है करना है, तो इसको ये वॉल दिख रहा है, इसको आप घुमाइए, इससे एडजस्ट हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको अंदर का खोल के दिखा देता हूँ कि क्या है। तो ये कुछ नहीं है, बस ऐसा रबर का है और ये वाला सिस्टम है। ये देखिए, ये अब इसको हम हवा देंगे। देखिए इसके अंदर हवा वाला वो पंप है, उसको भी हम खोल के देंगे, बताते हैं आपको। ये खुल जा भाई, ये खुल गया, ये है पंप और ये ऐसे हवा भरते हैं, बस जितने आपको चाहिए उतने आप भर सकते हो। ये बस इससे क्या है, आपको दरअसल आपकी सीट जो है ना वो बहुत ही कहीं ना कहीं आपको ऐसे लगे कि बहुत गादी वाली जगह पर हम बैठे हैं। देखो ये बिल्कुल फुलकर रेडी हो गई है और आपको निकालना है तो ये इसका दे रखा है साथ में वॉल, ये इसको खोल दो, ये निकल जाएगी, ये निकल रही है, आवाज़ तो आ रही होगी थोड़ी, बिल्कुल निकल जाएगी। ये छोटी सी नली दे रखी है, पहले क्या मुंह से हवा भरना पड़ती थी लेकिन अब नहीं है। तो ये है, इसको हम इंस्टॉल अपनी बाइक पर करेंगे और वाकई में देखने वाले कि हाँ राइडिंग के लिए बेहतर है या फिर चौंचलेबाजी लोग लेते हैं और कोई मतलब नहीं निकलता है। वैसे क्वालिटी वाली है, इसके साथ एक रेन कवर भी आता है। रेन कवर किधर गया, इसके अंदर ही होगा। ये रेन कवर है, ये इसका रेन कवर आ गया है, अब ब्लैक नॉर्मल ही है, कुछ नहीं, ये इसका रेन कवर है, अगर आप बारिश वारिश होती है तो इसको आप रख लीजिए। तो बस यही है ग्रैंड पिस्टॉप्स। जी हाँ, ये तकरीबन 2300 रुपये के आसपास मुझे पड़ी है, 2300 2350 रुपये अमेजोन से मैंने ऑर्डर किए। तो चलिए डायरेक्टली करते हैं इसको बाइक पर हम
फाइनली गाइस, एयर कम्फी सीट को लेकर अब हम आ चुके हैं रोड पर, यहीं पर इसको इंस्टॉल करने वाले हैं और बाइक राइड करके भी देखेंगे कि इसको लगाने के बाद कैसी फीलिंग आती है, वाकई में ये लंबी दूरी के लिए बेहतर है या नहीं है। एकदम ईमानदारी वाला रिव्यू देने वाले हैं, इसलिए वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, पहले ही मैं आपको सूचित कर देता हूँ। तो चलिए करते हैं इसको फटाफट हम इंस्टॉल। तो हम खोल लेते हैं अपने बाइक को, सीट को। वैसे बहुत सारे लोग नहीं खोलते हैं, और इसको है ना क्रॉस के निशान से लगाएं, जैसे ये है ना, इसको इधर और इसको इधर, बिल्कुल बस ये स्ट्रैप है, ये निकल जाते हैं यहाँ से। मैं आपको बता दूँ, यहाँ से निकल जाते हैं, इनको निकालना है और इस पोजीशन में इसको लगाना है। बहुत सारे लोग क्या ऐसे लगा देते हैं, वो बिल्कुल गलत है। मैं कह रहा हूँ इसको ऐसे लगाओगे तो बहुत बेहतर रहेगा। जैसे कि फाइनली दोस्तों, हमने लगा दी है इस सीट को, बिल्कुल इंस्टॉल करना इजी है। ये मैंने लगाया है, इसको आप ढीली टाइट आपके हिसाब से कर सकते हो और जितना चाहो उतना कर सकते हो। मैंने अभी इसको जो है आपको दिखाने के लिए ज़्यादा टाइट नहीं किए, लेकिन ये ऐसा ही कुछ लगती है। ये देखिए, अब इसको हम लगा देंगे अपने सीट के जो है कम्प्लीटली लगा के। अब हम हवा भी देके देखेंगे, ये हमने लगा दिए और इसके अंदर जो है ये इसमें हवा देंगे हम। ओहो, ये हवा हमने भर दिए, हम थोड़ी ही भरेंगे हवा, ज़्यादा नहीं भरेंगे, क्योंकि ज़्यादा भर के शायद उस पर ज़्यादा स्पंज मारेगा वो। ये हवा भरा गई है इसमें और अब हम इसको लगा देते हैं बिल्कुल, और अब देखते हैं बाइक को राइड करके का आखिरकार कैसा एक्सपीरियंस होता है। मैं थोड़े से ऊबड़ खाबड़ वाली जगह पर भी जाऊंगा, आपको अगर वो व्यूज़ नज़र नहीं आए, वो वीडियो में दिखे ना ऊबड़ खाबड़ वाली जगह, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं खुद इस वीडियो को सेल्फ शूट कर रहा हूँ, मेरे पास कोई कैमरामैन नहीं। तो चलो चलते हैं डायरेक्टली बाइक राइड पर। तो दोस्तों, सड़क के साइड में जो पत्थर पड़े रहते हैं ना, उस पर भी मैं चला के लाया हूँ। ईमानदारी से कहूँ, ज़्यादा इतना भी वो नहीं है जितना लोग बताते हैं, लेकिन हाँ, रिलीफ आपको मिलता है। जैसे मेरी एक्सपल्स की सीट है, उसको मैंने मॉडिफाई करवा लिया कई बार, लेकिन इतना रिलीफ नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, इसलिए उसको ख़रीदा। हाँ, 2300 रुपये आवर प्राइस है, अगर ये 1500-1600 के बीच में होती तो बढ़िया होती, लेकिन हाँ, राइड अच्छी लगती है और आप अगर चलाते हो, सीधी सी बात है, तो आपको बेनिफिट मिलता है, आपके बटक्स कुल्ले और ये दरअसल इतने पेन नहीं करेंगे जितना अभी तक, यानी कि कंपनी वाले तो ये तक भी कहते हैं कि तकरीबन 40% आपको कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, बैकबोन नहीं होगी, आपके बटक्स नहीं दुखेंगे। तो लंबी राइड के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बेशक कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी सीट एक्सपल्स है, गाड़ी आपके पास है, तो कहीं ना कहीं इसकी जो जिन लोगों की हाइट कम होती है उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसमें जब हवा भरते हैं तो ये ऊपर उठती है, तो कहीं ना कहीं इश्यू इसका आ सकता है। आप आपके हिसाब से हवा एडजस्ट कर लेना, उसमें का आपको कितने चाहिए कितना नहीं चाहिए, और उसमें निकालने के लिए वो छोटी सी वॉल भी दे रखी है, उससे आप हवा निकाल भी सकते हो। तो ओवरऑल बढ़िया है, लंबे सफ़र के लिए अगर इसको लगाएंगे तो रिलीफ ज़रूर मिलेगा, ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि इतने से राइडिंग में मुझे पता चल गया कि जब भी झटके आते हैं, ऑफ रोडिंग पर जाते हैं, तो आपके जो बटक्स रहते हैं, आपकी जो कमर रहती है, वो एकदम झटके देती है, और आपकी सीट अगर ठीक नहीं है तो और भी आपको ज़्यादा पेन फील होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा रिलीफ ज़रूर आपको मिलेगा। यही था वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर आपको ठीक ठाक लगते हैं हमारे वीडियोज़ और ऐसे ही वीडियोज़ आपको आगे भी देखना पसंद करोगे, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।